नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस हेलमेट की, जो कि है स्टड्स थंडर। स्टड्स का ये थंडर हेलमेट जो है वो मैंने मंगवाया था कई दिनों पहले, और उसके बाद में 3-4 दिनों तक मैं इसे यूज़ कर चुका हूँ। जयपुर के आसपास छोटी मोटी जो भी ट्रिप्स है, मैं इसको लेकर कोई लंबी राइड में नहीं गया हूँ, जयपुर के आसपास ही मैंने इसको यूज़ किया है। क्योंकि ये हेलमेट जो है वो बना भी उसी हिसाब से आपकी डेली कम्यूटिंग वगैरह जो है उसमें काम दे जाए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स वगैरह उनके काम आए, उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। लाइट वेट हेलमेट है और साथ ही में मतलब ऐसा कोई बड़ी वो जो होते हैं ना ट्रैवलर्स टाइप हेलमेट है वो उतना बड़ा नहीं है, ना ही इसका बजट उतना है। काफ़ी लोगों ने कहा था कि 2000 से कम के बजट का कोई हेलमेट बताओ जो कि हम जो है नॉर्मली यूज़ कर सकें, ISI मार्क सेफ हो, अच्छा हो। तो वो हेलमेट जो है मुझे लगता है फाइनली मुझे मिल गया है। मैंने इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोगों से पूछा था कि अगर आप कोई हेलमेट यूज़ करते हैं और आपको अच्छा लगता है तो बताओ। किसी ने मुझे बताया था कि एक नया हेलमेट है और ये एक बार ट्राई करना, तो मैंने ये स्टड से मंगवाया। अभी थंडर जो है वो लगभग 1700 के आसपास की रेट का आता है। एग्जैक्ट प्राइस और लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको। और ये ISI मार्क हेलमेट है, और इसकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वो है इसकी क्वालिटी। हर एक जगह जो है परफेक्ट क्वालिटी के साथ में आता है, कोई भी कहीं बाहर कोई नट बोल्ट नहीं दिख रहे हैं, कोई भी मतलब ये जो पैडिंग्स वगैरह है वो लूज़ नहीं है, सब परफेक्टली फिट है। इनफैक्ट आप इसको जब पहनते हैं तो ये सिर में भी बहुत अच्छी फिटिंग के साथ में बैठता है। मेक श्योर आप जब भी इसे लें तो साइज़ जो है वो आपका सही लें, इसमें 3-4 साइज़ के ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप जो है परफेक्ट साइज़ के हिसाब से लें, बहुत अच्छी तरीके से फिट होता है। उसके बाद में जो पहली चीज़ है जिसकी जो मुझे इस हेलमेट की अच्छी लगी वो इसकी फिटिंग ही थी, मतलब जैसे ही आप हेलमेट पहना मुझे एकदम फिट अच्छा लगा इसका। दूसरी चीज़ इस जो टिंटेड ग्लास के कारण जो बाहर का विजन आता है वो बहुत अच्छा आता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम आपको बता दूँ, टिंटेड ग्लास जो है वो तो ठीक है लेकिन रात को ये ग्लास जो है आपकी विजिबिलिटी थोड़ी कम कर देगा, तो आपको क्लियर ग्लास चाहिए। अब इसके साथ क्लियर ग्लास नहीं आया, मुझे लगता है कि 100-150 रुपये और देखिए आपको क्लियर ग्लास भी इसके साथ ले लेना चाहिए। इनफैक्ट स्टड्स को इसके साथ ही बेचना चाहिए 100 रुपये एक्स्ट्रा करके। और ये जो मतलब ग्लास लगाना भी इजी है, चेंज करना भी, क्योंकि यहाँ पे जो वन टच रिलीज बटन दिया हुआ है तो ये ग्लास इजीली आप हटा के अभी इसे लगा सकते हो, तो वो एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म इसमें है। उसके बाद में कई लोगों का कहना था कि चिन और चिक्स के जो सपोर्ट है उसका कैसा क्या हिसाब है, तो चिक्स का सपोर्ट अच्छा है और चिन के नीचे जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा अवेलेबल है, बहुत अच्छा स्पेस है। आपको याद होगा मैंने एक हेलमेट थोड़े टाइम पहले रिव्यू किया था जो कि थोड़ा काफ़ी महंगा था, लेकिन उसमें भी यहाँ चिन पे जो है उतना प्रोटेक्शन नहीं दिखी थी, लेकिन उसमें पूरी प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। ये क्विक रिलीज बटन जो है इससे ये मुझे मेरा फेवरेट है भाई। कई कई हेलमेट्स में ना ये खोलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे बस एक सीधा सा स्ट्रैप खींचा और हेलमेट जो है वो खुल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है इसमें। उसके बाद में आपको जो है व्यू का काफ़ी पूछना था कि अंदर से कितना ऑब्स्ट्रक्ट मतलब कितना दिखता है, कितना ऑब्स्ट्रक्शन है इधर उधर प्रोटेक्शन के नाम पे। वेल, काफ़ी अच्छा व्यू है, कोई दिक्कत प्रोटेक्शन वगैरह के नाम पे ऐसा कोई व्यू हिंटर नहीं हुआ है। खास बात ये है कि काफ़ी चौड़ा है, मतलब व्यूज़ काफ़ी दूर तक आपको दिखते हैं अगर आप नज़र घुमाओ, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं कह दूँ सबसे ज़्यादा व्यू इसी हेलमेट में से निकल के आता है, जितना ज़रूरत है उतना आपको मिलता है, नो डाउट वो उस मामले में भी परफेक्ट है ये। एक चीज़ को मेरे को इसमें बहुत अच्छी लगी वो ये कि जो ये एयर वेंट्स है, जो यहाँ पे नीचे वाला एयर वेंट्स है, इसको जब आप खोलते हो तो ये हवा अंदर की तरफ वापस कांच की तरफ डायरेक्ट करता है जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसकी तरफ। उससे क्या होता है कि फॉग वगैरह कहीं ऐसा होता है ना विंटर्स वगैरह में हम जो है सांस लेते हैं उसकी वजह से अंदर फॉग टाइप हो जाती है, तो वो फॉग नहीं होगी। आपको गाड़ी चलाते वक्त जो है इसे खोल के रखना नहीं पड़ेगा, अपने आप जो है हल्की हल्की हवा से वो फॉग दूर कर देगा। एयर वेंट्स ऊपर भी है, इसमें 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं जो कि अंदर एयर सर्कुलेशन का काम करते हैं, पीछे से एयर जो है वो रिलीज होती है। बाकी 1300 ग्राम का ये है, तो भारी किसी के लिए भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो कई लोग चाहते हैं और हल्का हेलमेट उन्हें अगर मिले, तो मैंने देखा है कि 1100 ग्राम तक का मुझे मिला था, लेकिन वो फुल फेस हेलमेट नहीं था, ये फुल फेस हेलमेट है। साथ ही में इसकी डिज़ाइन जो है काफ़ी एरोडायनामिक लगी, तो जो हवा है उसकी कोई सरसराहट वगैरह की आवाज़ मुझे नहीं आई इस पर। हालांकि मैक्सिमम मैंने 80 के आसपास की स्पीड से राइड किया इसके, 80-90, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाया, लेकिन उस वहाँ पे कोई हवा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मुझे इसमें नहीं हुई। 10 प्रोटेक्शन कहता है ये कि 10 से प्रोटेक्शन करता है, डे टाइम यूज़ ओनली है, लेकिन आपको जो है क्लियर वाला भी मंगवा लेना अगर आप रात में राइड करते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। फिलहाल सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि मतलब
कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स वगैरह जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल है, आपको लेना है तो खूब सारे कलर्स है। मुझे पर्सनली आप पूछो तो मुझे तो यही कलर पसंद आया था, ब्लैक और रेड, और ये मुझे मिल गया और एल साइज़ का है, एल साइज़ का मंगवाया था मैंने। बाकी आप अपनी साइज़ ज़रूर देख लेना, क्योंकि हेलमेट जो है वो परफेक्ट साइज़ के हिसाब से ही पहनना चाहिए। ये आपको ऐसा मत सोचो कि पहनते ही अगर टाइट लग रहा है तो हमेशा टाइट ही लगेगा, एक दो दिनों में आपको आदत पड़ जाती है, तो अपनी साइज़ के हिसाब से ही हेलमेट खरीदें। फिलहाल अगर किसी का बजट जो है वो 1700 रुपये के आसपास है, तो आप ये हेलमेट जो है नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से खरीद सकते हैं। अभी अमेजोन पे तो अवेलेबल नहीं है, स्टड्स की साइट पे ही है, लेकिन अगर कहीं और अवेलेबल होता है स्टड्स की साइट या उनके स्टोर के अलावा, तो मैं जो है उसका लिंक नीचे बिल्कुल ऐड कर दूंगा। बाकी तो मेरी तरफ से अच्छा हेलमेट है, बिल्कुल लिया जा सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दीजिए ये ग्लास जो है इसकी जगह आप जो है एक ट्रांसपेरेंट ग्लास भी ले लें, वो चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको हेलमेट अगर आप लेते हैं तो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो भैया वीडियो लाइक की जा सकती है, शेयर की जा सकती है अपने सभी दोस्तों के साथ जो कि मतलब हेलमेट वगैरह लेना चाहते हैं। और प्लीज़ वो सस्ते हेलमेट जो होते हैं वो यूज़ ना करें, वो 100, 200, 300 रुपये वाले जो हेलमेट्स आते हैं वो प्लीज़ यूज़ ना करें। वन टाइम एक बार स्पेंड कर दो यार, सही है, मतलब अच्छी चीज़ है, प्रोटेक्शन देती है। बाकी मैं ये भी नहीं कह रहा कोई बड़े हेलमेट लेके चलो, 5-6 हज़ार रुपये जो भी हेलमेट आते हैं ट्रैवलिंग वगैरह के, आप चाहते हो तो ये यूज़ कर सकते हो, डेली कम्यूटर वाला हेलमेट है, अच्छा हेलमेट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया दोस्तों, लाइक से सब्सक्राइब कर दिए। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।